तारीख 11 मई सन 2022 दिन बुधवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप जुड़े हैं अपने पसंदीदा चैनल टीवी नाइन डिजिटल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका हमजुबान हरफन मौला संजीव चौहान। सुनाने को आपकी मनपसंद कहानी अपनी मुंहजुबानी। आज बात करते हैं दुनिया की दो सुपर पावर देश रूस और चीन के कर्णधारों या कहिए खेवनहारों के एक साथ बीमार हो जाने की। बीमार तो अमेरिका के कट्टर दुश्मन देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हुए हैं, मगर बेचैन अमेरिका है। भले ही खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल स्वस्थ हों, मगर जब से उनके ये दो जानी दुश्मन बीमार हुए हैं, चिंतित अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हैं। जो बाइडन की चिंता ये है कि जब तक शी जिनपिंग और पुतिन अस्पतालों में दाखिल हैं या डॉक्टर के दरवाजों के धक्के खा रहे हैं, तब तक इन दोनों की बीमारी की आड़ में जो बाइडन अपने किसी नए शिकार की तलाश पूरी कर लें। यह सच भी किसी से अब छिपा नहीं रहा है कि चीन और रूस के साथ डबल फ्रंट वॉर की स्थिति को लेकर अमेरिका अपनी दिन रात की तैयारियों में जुटा है। अमेरिका की मगर मुश्किल ये है कि उसके दोनों दुश्मन देशों के धुरंधर यानी राष्ट्रपति एक साथ बीमारी की चपेट में फंस गए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीमार हैं। इसका ताजा तरीन नमूना हाल ही में दुनिया ने तब देखा था जब वे एक वीडियो में रूस के विक्ट्री डे परेड के दौरान कुर्सी पर कंबल में लिपटे बैठे खांसते नजर आए। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि पुतिन को कैंसर हो गया है, जिसका वे अब ऑपरेशन कराने की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन उनके सिर पर अभी यूक्रेन से जंग का बोझ बरकरार है। लिहाजा ऐसे में रूसी राष्ट्रपति अभी क्या करेंगे आगे, ये देखने वाली बात है। अब खबरें आने लगी हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी दिमाग की गंभीर बीमारी के लपेट में आ गए हैं, जिसके चलते बीते साल उन्हें अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेरेब्रल एन्यूरिज्म जैसी घातक बीमारी की चपेट में हैं। चीनी राष्ट्रपति के बारे में मशहूर है कि वे बीमारी का ऑपरेशन करवाने की जगह पारंपरिक चीनी दवाओं से अपना इलाज कराना ज्यादा पसंद करते हैं। शी जिनपिंग के बीमार होने की खबर भले ही अब निकलकर बाहर आई हो, लेकिन उनके अस्वस्थ होने की अटकलें बहुत पहले से लग रही थीं। दरअसल शी के बीमार होने की खबरें मार्च 2019 में तब से फैलनी शुरू हो चुकी थीं, जब से वे इटली की यात्रा के दौरान चलने फिरने में दिक्कत महसूस करते देखे गए। उनकी ये परेशानियां फ्रांस दौरे के दौरान और ज्यादा बढ़ चुकी थीं, जिसके कारण उन्हें मेडिकल सपोर्ट तक देना पड़ गया था। बात जब चीन से देश और उसके बीमार राष्ट्रपति की हो, तो इस वक्त टीवी नाइन डिजिटल चैनल पर मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के साथ पॉडकास्ट की कड़ी सुन रहे श्रोताओं को यह बताना भी जरूरी है कि आखिर शी जिनपिंग को लगी सेरेब्रल एन्यूरिज्म की बीमारी आखिर है क्या। दरअसल ये गंभीर दिमागी बीमारी है, जिसमें मस्तिष्क के अंदर एक धमनी का फैलाव हो जाता है, जिसके चलते धमनी की परत को नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये ज्यादा फैल जाए तो इसके फटने या फूटने का अंदेशा भी बढ़ जाता है। हालांकि दुनिया भर के चुनिंदा डॉक्टरों की माने तो सभी एन्यूरिज्म फट ही जाते हों ऐसा भी नहीं है। दरअसल ये बीमारी खतरनाक तब हो जाती है जब एक ही रोगी में कई एन्यूरिज्म हो जाएं। इस बीमारी के लक्षणों में रोगी को सिरदर्द, ओकुलर दर्द और आंखों से दिखाई देने में कमी जैसे प्रमुख हैं। पॉडकास्ट के इस कड़ी में आज बस इतना ही। अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। कल इससे भी बेहतरीन किसी कहानी के साथ मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते टीवी नाइन डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब और पॉडकास्ट के इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूल जाइए।